हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है भंडारे वाले आलू की सब्जी, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही सरल है। लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं। इसके अंदर भंडारे वाली सब्जी आलू की है तो इसके अंदर प्याज और लहसुन का तो इस्तेमाल होगा नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने आलू लिए हैं, ये देखिए 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने उबाल के रख लिया था। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे मेरे, ये 2 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 ही हरी मिर्च। इसको मैं ग्राइंड मोटा मोटा कर लूँगी, बिल्कुल महीन नहीं पीसूँगी, जिस तरह फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। अब मेरा मसाला जैसे तेल के अंदर छुकेगा, इसके अंदर ये मसाले होंगे, आधी चम्मच होगा जीरा और आधी ही चम्मच होगी इसके अंदर मेथी दाना और हींग। अब हम चलते हैं अपना तड़का लगाने के लिए। मैंने 1 कड़छी तेल ले लिया, गैस मैंने फुल रखी हुई है इस टाइम। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालेंगे, थोड़ा तेल गर्म हो जाए। और देखिए मैंने पहले डाला है इसमें जीरा और इसके अंदर डालेंगे मेथी डाला। अपने मसाले को पीस के रखती हूँ, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाते हैं, थोड़ा मुँह के अंदर भी आता है तो अच्छा लगता है। अदरक प्याज, अदरक टमाटर और हरी मिर्च आप देखिए। सबसे पहले तो जाएगा 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर। धनिया की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, तो मैं 2 चम्मच धनिया डाल रही हूँ। आधी चम्मच हल्दी, आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास आलू की ग्रेवी तैयार हुई है। कलर भी एकदम आ गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। आलू को अपने हाथ से ऐसे तोड़ लेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़े खड़े ही रखेंगे। मसाला हमारा लगभग भून के तैयार हो चुका है। फर्स्ट क्लास हुआ है, सारे आलू मसाले में अच्छी तरह लिपट चुके हैं। अब बस इनके अंदर हम आधी गिलास पानी डालेंगे। जिसको मैंने मसाला पीसा था मैं उसी जार को धोके डाल दी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी का कलर और इसका स्वाद। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के फिर 5 मिनट फैलाएंगे, उसके बाद ये सब्जी पक जाएगी, रेडी हो जाएगी।
चलिए अब हम देखते हैं। बिल्कुल सही तैयार हो गई हमारी सब्जी। हमें इसी तरह रसा वाली चाहिए थी थोड़ी, और आलू सब आपस में एक दूसरे से मिल गए। सब्जी की आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और इतना गाढ़ापन रहना चाहिए। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं और धनिए की हरी पत्ती से इसको गार्निश करते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।